हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ छोटे छोटे ऐसे जुगाड़ जो डेली काम को बहुत आसान कर देते हैं। इन जुगाड़ के बारे में हमें पता तो होता है लेकिन फिर भी हम अक्सर भूल जाते हैं। तो पहली टिप नंबर ये है कि हमारे घरों में ना अक्सर ऐसा होता है कि दालों को ना काफ़ी दिनों तक स्टोर किया जाता है। जैसे कि सभी के घरों में ऐसा होता होगा, जो महीने का राशन आता है तो दालें वगैरह काफ़ी सारी महीने या दो महीने के लिए हम ले आते हैं और उसको एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं। होता क्या है कि इनके अंदर ना छोटी छोटी सुर्सियाँ हो जाती हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, खास तौर पे बरसात के दिनों में। और अगर बरसात के दिन ना हो और ज्यादा दिन तक दाल को बाहर रखा जाए डब्बे में बंद करके, तो भी इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हो ही जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, माचिस की डिब्बी लेनी है और सारी माचिस ना इसमें डाल देनी है, उस डब्बे में जहां पे आप कई महीनों के लिए दाल को स्टोर करके यानी इकट्ठा करके रख रहे हैं। ऐसा करने से एक तो दाल में कोई कीड़े नहीं लगेंगे, दाल बिल्कुल खराब नहीं होगी और दाल बिल्कुल फ्रेश रहेगी। दूसरा तरीका यह है कि इसकी जगह पे आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि आप चाहे ना तो दाल को स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने से भी दाल बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो यह है टिप नंबर वन। अब टिप नंबर टू की बात करते हैं। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, जब भी हम टेप यूज़ करते हैं ना तो हमें समझ ही नहीं आता टेप का वो छोर कहाँ से है जहाँ से हम टेप को निकालें। ढूंढते रह जाते हैं लेकिन हमें टेप का वो हिस्सा मिलता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से अगर मिल भी जाए ना तो उसका हम जैसे यूज़ करते हैं ना और वापस उसको जब चिपका देते हैं यूज़ करने के बाद, तो फिर से वो सिरा खो जाता है। तो अब करना क्या है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार टिप है। जैसे सबके घर में धागा होता है, रील होती है, तो इसका ना थोड़ा सा धागा हमने ना काट लेना है। इस तरीके से धागे को ना हमें डबल तिबल करके फोल्ड कर लेना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही धागा मैंने लिया इसको ऐसे डबल करके और एक बार और डबल कर लेती हूँ इस तरीके से ना, इसको फोल्ड कर लें। और जहाँ पर जो हम टेप का लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, जो अक्सर खो जाता है हमसे, उसको वहाँ पर चिपका देना है। इससे होगा ये कि एक तो ये सिरा बिल्कुल खोएगा नहीं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम अक्सर टेप के उस सिरे को ढूंढते रह जाते हैं जहाँ से हमें टेप निकालनी होती है। तो जैसे हमने जितनी भी टेप यूज़ करी, इतनी टेप यूज़ करने के बाद उस सिरे पे जो लास्ट सिरा रह गया है उस पे ये धागा लगा दें। इससे हर बार जब भी आपको टेप यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आप धागे का यूज़ नहीं करना चाहते ना, तो आप धागे को हटा दीजिए। आपके घर में अगर टूथपिक है, कोई लकड़ी का सिरा है जैसे टूथपिक होता है, या माचिस की तिल्ली होती है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। उसको इस तरीके से सिरे पे लगा दीजिए धागे की जगह पे। अगर आपको लगता है कि धागा बार बार खो सकता है, धागा नहीं लग सकता, तो आप इसको लगा दीजिए। इसको लगाने से भी ना, ये तो और भी अच्छा तरीका है, इसको लगाने से तो बिल्कुल परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है और बहुत आसानी से टेप निकल जाएगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसका आप ज़रूर यूज़ करें। अब टिप नंबर थ्री की बात करते हैं। हम सबके घरों में ना ऐसे ना ही पैकेट्स आते हैं जिसमें खाने वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, या तो हम बाहर रख देते हैं, तो ऐसे हमें समझ नहीं आता कि इसको बंद करके कैसे रखें, क्योंकि ऊपर से तो हमने इसको कट कर दिया होता है, इसके अंदर कीड़े मकोड़े जा सकते हैं। और अगर फ्रिज में हम रख देते हैं ऐसे इसको बंद करके, तो फिर भी ये पैकेट खुल जाता है और इसमें नमी जाती रहती है, और जिस वजह से वो चीज़ में ना सीलन सी आने लग जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने ये पैकेट लिया, अगर हमारे पास कोई रबर बैंड नहीं है बांधने के लिए, तो हमें ये क्या करना है, पैकेट लिया हमने, इसको बीच में से ना कैंची से कट कर देना है इस तरीके से। ऐसे कट करने के बाद, जैसे मैंने ये कट कर दिया, अब क्या करेंगे, इसके दो हिस्से बन जाएंगे। अब इन दो हिस्सों को ना इस तरीके से ऐसे गांठ लगा दी, जैसे हम पन्नी में गांठ लगाते हैं ना, या फिर किसी चीज़ में गांठ लगाते हैं, इस तरीके से एक गांठ इसमें ऐसे लगा देनी है। अब इसके बाद आपको इस पर कोई रबर बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फ्रिज के अंदर रखिए, फ्रिज के बाहर रखिए, कहीं भी रखिए, ये चीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। और देखिए, कोई सामान भी इसमें अगर होगा ना, तो वो भी नहीं गिरने वाला, क्योंकि ये अच्छे से हमने इसको बंद कर दिया है। तो इस तरीके से आप चीज़ों का यूज़ करें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके बारे में ना हमें पता होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें पता है तो सभी को पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ टिप्स के बारे में हमें ही पता होता है, तो हमें उन टिप्स को शेयर करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस टिप का भी यूज़ करें, ये भी बहुत यूज़फुल टिप है। अब बात करते हैं टिप नंबर फोर की। जैसे चीनी का डिब्बा होता है ना, और चींटियाँ जो है चीनी की बहुत दुश्मन होती है, जहाँ भी उन्हें मीठी चीज़ दिखे या चीनी का डिब्बा दिखे ना, कितना भी टाइट ढक्कन लगा दो ना, उसके बाद भी इसमें चींटियाँ घुस जाती हैं। तो लौंग तो हम सभी के घर में होती हैं, क्योंकि अक्सर पूजा में भी लौंग यूज़ की जाती है, तो आपको ज़्यादा नहीं 3-4 या 5 लौंग इस डब्बे में डाल दीजिए, उससे चींटियाँ ना इसके आसपास भी नहीं आएंगी, क्योंकि जो लौंग की एक खुशबू होती है ना, एक फ्रेग्रेंस होती है, उसकी वजह से चींटियाँ आसपास नहीं आती डब्बे के, तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी टिप आपको ज़्यादा यूज़फुल लगी, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।